नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे आईसीयू ग्रैंडपा के बारे में, जो नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा रहे अकेला। डेविड डेचमे को लोग आईसीयू ग्रैंडपा कहते हैं। डेविड 17 साल से रोज अमेरिका शहर अटलांटा के चाइल्ड केयर हॉस्पिटल आते हैं और वहाँ जो नवजात बच्चे अकेले भर्ती है उनके साथ घंटों खेलते हैं। दरअसल अस्पताल में भर्ती कई बच्चों के माता पिता व्यस्तताओं के कारण नहीं आ पाते तो उनका काम डेविड करते हैं। कुछ पेरेंट्स ने डेविड की तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर की तो ये कहानी सामने आई। उन्होंने बताया कि मैं साल 2000 में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की अपनी नौकरी से रिटायर हुआ। खाली वक्त बिताने के लिए मैं यूं ही एक दिन चाइल्ड केयर हॉस्पिटल आया। यहां आकर लगा कि बच्चों के साथ वक्त बिताना कितना अद्भुत अनुभव है, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मुझे याद है कि जब मैंने यहां पहली बार एक बच्ची को गोद में लिया था, हालांकि मेरी गोद में आते ही वो बच्ची रोने लगी थी, फिर भी मुझे एहसास हो गया कि इससे ज्यादा सुकून किसी काम में नहीं। उन्होंने बताया कि हफ्ते के 7 दिन को मैंने इस तरह बांटा है कि कुछ दिन पीडियाट्रिक आईसीयू में बिता सकूं और कुछ दिन नियोनेटल आईसीयू में। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैंने तब देखभाल की है जब वे कुछ महीने के थे। अब वे बच्चे 5, 10 या 15 साल के हो गए हैं। उनको देखकर मेरे दिमाग में जो यादें आती है वो बेशकीमती है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा एक पल भी अकेला रहे। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं गर्व से उन्हें बताता हूँ कि मैं बच्चों को संभालता हूँ।